आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट टू हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर फोर। पेपर फोर का ये चैप्टर थ्री, और चैप्टर थ्री का जापान में साम्राज्यवाद हम लोग पढ़ रहे थे, और इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग देख रहे थे। इसका भाग वन हम लोग अच्छा से पढ़ लिए, अगर नहीं देखें तो उसका लिंक किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से देख सकते हैं, या इसी चैनल पर लिस्ट बना हुआ है वहाँ से भी देख सकते हैं। चलिए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक से लेकर दस तक इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देख लेते हैं, ग्यारह नंबर से बाकी हम लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। ये पहला क्वेश्चन क्या है कि मेजी पुनः स्थापना कब हुआ था। मेजी का अर्थ तो पिछला वाला भाग में भी बताए थे, मेजी, मेजी का मतलब होता है राजा, यानी राजा का पुनः स्थापना कब हुआ था, 1765, 1868, 1530 या डी, इनमें से कोई नहीं। तो मेजी यानी कि राजा की पुनः स्थापना जो हुआ था वो 1868 में, 1868, कहीं कहीं आपको 1867 भी रहेगा, 76 भी रहेगा, ध्यान रखिएगा, अधिकतर जगह पर यही रहता है, लेकिन अगर ऑप्शन में ये दोनों में से कोई एक रहेगा, 67 या 68 रहेगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 1868 में मेजी की पुनः स्थापना हुई थी। पुनः स्थापना का मतलब राजा को पुनः शक्ति मिल गया था, शक्ति, ये शक्ति सोगुन के पास था, सोगुन यानी कि मंत्री के पास था शक्ति, और वापस फिर किसको मिल गया था, राजा को, किसकी सहायता से, अमेरिका की सहायता से, कब मिला था वापस, 1868 में, और ये सोगुन द्वारा छीन कब लिया गया था, कब, ये 12वीं सदी में सोगुन द्वारा राजा की शक्ति छीन लिया गया था, यानी मेजी की शक्ति छीन लिया गया था, और वापस फिर मिला था 1868 में, या 1867 भी कहीं कहीं पर रहेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 1868। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अमेरिका जापान से मित्रता क्यों करना चाहता था। अमेरिका जो था वो जापान से, जब जापान में साम्राज्यवाद फैल रहा था, उस समय उसको उससे मित्रता क्यों करना, कोई किसी से मित्रता क्यों करता है, अपनी, देखिए कोई देश किसी और देश से मित्रता क्यों करता है, अपने स्वार्थ के लिए करता है मित्रता, ध्यान रखिएगा, देश जब मित्रता करेगा तो अपने स्वार्थ के लिए। जापान जो अमेरिका था वो जापान से क्यों मित्रता करना चाहता, जापान पर अधिकार करने के लिए, धन के लिए, एशिया क्षेत्र में जरूरत पूरा करने के लिए, डी, इनमें से कोई नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा सी, एशिया क्षेत्र में एक विश्वासी मित्र चाहिए था अमेरिका को, और ये जापान ही इसका विश्वासी मित्र, इसको लग रहा था कि जापान ही हमारे लिए विश्वासी मित्र साबित होगा, इसीलिए जापान से मित्रता करना चाहता था, ताकि एशिया क्षेत्र में उसकी जितनी भी जरूरतें थी यहाँ पर पूरी हो सके, जैसे नाव टूट गया बीच में ही, नाव टूट गया, या नाव की मरम्मत करवाना है, या कोई सामान कहीं से, कोई भी अपना जरूरत हो, जो भी नाव का सामान हो, या किसी का व्यापारी हो, कोई भी जरूरत हो, कौन पूरा करे, जापान, इसीलिए अमेरिका किससे, मतलब किससे अपना मित्रता करना चाहता था, जापान से। तो ये सी आंसर हो जाएगा, एशिया क्षेत्र में अपनी जरूरत पूरा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, जापान ने सबसे पहला आक्रमण कौन से देश पर किया था, कौन से देश पर जापान ने, देखिए जापान में साम्राज्यवाद अब होने लगा था, साम्राज्यवाद यानी जापान ताकतवर होने लगा था, राजा को पुनः शक्ति मिलने के बाद सभी क्षेत्रों में जापान बहुत आगे बढ़ने लगा था, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, सेना के क्षेत्र में, सब में वृद्धि हो गया था। तो जापान अब दूसरे देश पर अधिकार करना चाहता था, तो ये जापान अब कौन से देश पर सबसे पहले आक्रमण किया था, ध्यान रखिए, कौन सा देश, रूस, कोरिया, चीन, या डी, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे पहले बताइए, नज़दीकी वाला क्षेत्र पर आक्रमण करेगा ना, चीन पर आक्रमण किया था, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले किस पर आक्रमण किया था, चीन पर, और कब, 1894 में, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखिएगा, कब आक्रमण किया था, 1894 में सबसे पहले आक्रमण किस पर किया था, ये चीन पर किया था जापान ने। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है उगता हुआ सूरज का देश किसे कहते हैं, चीन, जापान, अमेरिका, या डीन में से कोई नहीं। तो जापान को उगता हुआ सूरज का देश कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है, जापान में, ध्यान रखिएगा, उगता हुआ सूरज का देश किसे कहते हैं, जापान को कहते हैं। और भारत में उगता हुआ सूरज का राज्य किसे कहते हैं, कौन सा भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है, आप कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। ये तो विश्व में जापान में होता है, लेकिन भारत में किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। चलिए आगे बढ़ते थे, इसका उगता हुआ सूरज का देश किसे कहते हैं, जापान को।
और ये कमेंट में लिखकर बताना है कि भारत के किस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, जापान द्वारा 1905 में कौन से देश को हराया गया था। जापान अब आक्रमण करना शुरू कर दिया था 1894 में, किसको आक्रमण किया था, किस पर, चीन पर, धीरे सभी देशों पर अपने नजदीकी वाले क्षेत्र पर आक्रमण करना शुरू किया। तो 1905 में किस देश पर आक्रमण किया था, रूस, फ्रांस, चीन या डी, इनमें से कोई नहीं, तो रूस पर आक्रमण कर दिया था, ध्यान रखिएगा। और इसमें जापान ने हरा भी दिया था, किसको, रूस को। इसके कारण रूस में अपने राजा के प्रति बहुत ज़्यादा विद्रोह की भावना लोगों में उत्पन्न होने लगी, ध्यान रखिएगा। 1905 में रूस को भी हरा दिया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है, जापान विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शक्ति कब बना, 1895, 1918, 1921 या डी, इनमें से कोई, तो 1921 में जापान विश्व का तीसरा सबसे बड़ा शक्ति बन गया। ये अमेरिका और इंग्लैंड के बाद, अमेरिका और इंग्लैंड के बाद, इंग्लैंड के बाद तीसरा सबसे बड़ा शक्ति कौन था, जापान था 1921 में। ये वाशिंगटन में एक सम्मेलन हुआ, वाशिंगटन कहाँ पर सम्मेलन हुआ, वाशिंगटन में सम्मेलन हुआ, और ये घोषणा किया गया, क्या घोषणा किया गया, कि अमेरिका और इंग्लैंड के बाद, इंग्लैंड के बाद सबसे ताकतवर देश जापान है, कब, 1921 में, ध्यान रखिएगा, ये वाशिंगटन में घोषणा किया गया एक सम्मेलन में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, तो ये 1921 में ये शक्ति बना था, 1921 तीसरा बड़ा शक्ति बना था। अगला आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन का देखिए, अगला क्वेश्चन का ऑप्शन है नहीं है, चलिए ऑप्शन हम देते हैं, कौन कौन सा ऑप्शन होगा, ए नंबर ऑप्शन होगा, चलिए ए नंबर ऑप्शन होगा सयानजी होगा, ये ऑप्शन नहीं देगा कोई बात नहीं। बी नंबर होगा टेराउची, ये टेराउची लिखा हुआ है। ये सी नंबर ऑप्शन होगा मित्सुहितो, और डी नंबर होगा इनमें से कोई नहीं। तो ये तो ऑप्शन हो गया, तो इसका जो आंसर होगा मित्सुहितो। इन्हीं के शासनकाल से मेजी युग की शुरुआत हो गई, ध्यान रखिएगा, इन्हीं के शासनकाल से मेजी युग की शुरुआत हो गई, यानी कि राजा को पुनः शक्ति इन्हीं के काल से मिली, मित्सुहितो के काल से ये राजा को पुनः शक्ति मिल गई, कब, 1868 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि जापान में डाक प्रणाली का आरंभ कब से हुआ, जापान में जो डाक प्रणाली था वो आरंभ कब से हुआ, 1875, 1871, 1873 या डीन में से कोई नहीं, तो 1871 में जापान में डाक प्रणाली की शुरुआत हुई थी, कब, 1871 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बैंक ऑफ जापान की स्थापना कब हुई, आपको पता है कि बैंकिंग की शुरुआत जापान में हो गई थी, कब हुई बैंक ऑफ जापान की स्थापना, 1882, 1871, 1873 या डीन में से कोई नहीं, 1882 में हुआ था बैंक ऑफ जापान की स्थापना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, मेजी युग में जापान के पास कौन सी सेना थी, जल और वायु सेना थी, वायु और थल सेना थी, थल और जल सेना थी, डीन में से कोई नहीं, तो वो तो ऐसे भी पता है कि जल और वायु सेना तो होगी नहीं, तो वायु और थल सेना भी नहीं था, थल और जल सेना था, मतलब स्थल पर युद्ध करने वाले सैनिक थे और जल में युद्ध करने वाले, मतलब नौ सेना थी और स्थल वाले सैनिक थे, स्थल पर युद्ध करने वाले सैनिक थे। तो हमें लगता है कि बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये पूरी तरह से क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ये चैप्टर भी बहुत अच्छा से कंप्लीट हो गया। इसमें कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हमें लगता है समझ में आ गया होगा।